आज हम लोग आए हुए हैं टीम आउटिंग पे। हम बोटिंग कर रहे हैं, कायाकिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा गुप्ता ब्लॉग्स। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग फिट हैं, फाइन हैं। आज हम लोग आए हुए हैं टीम आउटिंग पे, आए हुए हैं हम लोग एरिया 83 रिजॉर्ट में, जो कि बैंगलोर बनरगट्टा रोड पे है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है पूरा। यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा है, तो मैं अपने टीम के साथ यहाँ पर आई हूँ आउटिंग पे। तो आज मैं आप लोगों को ये पूरा रिजॉर्ट दिखाऊँगी, होपफुली आप लोग आज के ब्लॉग को इन्जॉय करेंगे। ये ऑफिस की तरफ से है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सब कुछ दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को मैं पूरा ये एरिया 83 रिजॉर्ट दिखाऊं, जो कि काफ़ी अच्छा है। पीछे से आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और यहाँ पे बारिश हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो अगर मैं कुछ गेम वगैरह खेलती हूँ तो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। होपफुली आप लोग आज के ब्लॉग को इन्जॉय करेंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये एरिया 83 रिजॉर्ट। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं एरिया 83 रिजॉर्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये आता है बनरगट्टा रोड पे और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी दिख रहा है। मैं आप लोगों को आज पूरा ये रिजॉर्ट दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम आज टीम आउटिंग पे आए हैं ऑफिस की तरफ से, तो होपफुली यहाँ पे अच्छा ही होगा सब। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये रिजॉर्ट। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन पे अपना टैग कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैकेज के हिसाब से टैग मिलता है, जो टैग लेने के बाद ही हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। गाइज एरिया 83 रिजॉर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे, और मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को सब कुछ दिखाने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये पूरा नेचर से रिलेटेड, मतलब पेड़ वगैरह देखने, और काफ़ी ज़्यादा बारिश वगैरह हुआ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस अभी हम यहाँ पर इंजॉय करें, मैं आप लोगों को सब कुछ वन बाई वन करके दिखाऊँगी। जाइए आप लोगों को पूरा एरिया 83 रिजॉर्ट दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सब खेलने वाला है, और वहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है पेंट बॉल खेलने का सेक्शन। और आइए आपको इस तरफ दिखाते हैं कि क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये सब पूरा लगा हुआ है कि क्या क्या है खेलने का। यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए है रेस्ट रूम, स्विमिंग, पूरा गाइड कर रहे हैं ये लोग कि कैसे कहाँ जाना है। गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे सारा एडवेंचर एक्टिविटी ही है खेलने के लिए, और मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खेला क्योंकि मैं लेट से आई, तो एक दो तीन गेम ऑलरेडी हमारे टीम वाले खेल चुके थे। और अभी जाएंगे तो कुछ और गेम्स हैं, उसके बाद हम लंच के लिए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पूरा व्यू। अरे गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी हम लोग
सॉकर खेल के आए हैं, जिसको बबल बॉल भी बोलते हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं खेल पा रही थी क्योंकि उसमें बॉल्स दिख ही नहीं रहा था वो पहनने के बाद, तो मैंने थोड़ा सा खेला और पूरा गर्मी हो गया। और अभी खेलने के बाद हमारी टीम जा रही है लंच करने के लिए, ऑलमोस्ट 2:18 हो रहा है, तो अभी हम लंच करेंगे, फिर उसके बाद और सारी जो एक्टिविटीज़ होगी वो उसको हम लोग ट्राई करेंगे खेलने के लिए, और मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। गाइस चलिए आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे लंच वाला एरिया कहाँ है, जहाँ पे लंच वगैरह करते हैं, ब्रेकफास्ट सब कुछ। और ये देखिए साइड में ऐसा है इनका लंच एरिया, आई थिंक ये क्लोज्ड हो गया है, और आई डोंट नो विच इज़ मेन गेट, आई डोंट नो, वी हैव टू चेक, दिस वन इज़ क्लोज्ड, सो आई डोंट नो फ्रॉम विच वे आई हैव टू गो, आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। गाइज हम लोग यहाँ से दूसरे साइड से रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स होंगे जहाँ पे लंच वगैरह का अरेंजमेंट रहता है, आई डोंट नो दिस वन, ये तो पूरा फुल है, और कॉन्फ्रेंस हॉल ये तो लिखा है। थैंक यू गाइज, ये है यहाँ का लंच ब्रेकफास्ट एरिया, जहाँ पे भी लंच करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और काफी क्राउड है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हम खाना खा के आ चुके हैं ग्राउंड में, हमारे टीम को क्रिकेट वगैरह खेलने। मैं आपको बता दूँ कि एरिया 83 का खाना बहुत ही ज़्यादा घटिया था, बहुत ही बेकार था, इससे अच्छा हमारे ऑफिस में खाना देता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, किसी को भी नहीं पसंद आया। और यहाँ पे अभी हम हैं ग्राउंड में, और पीछे आप आर्चरी का ग्राउंड है जहाँ आर्चरी खेला जाता है, और यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग आ गए हैं, तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन कौन यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है। टीम का क्रिकेट स्टार्ट हो चुका है और बारिश भी हो रहा है, तो देखते हैं ये लोग क्या खेलते हैं, गॉड नोज। गाइस यहाँ पे बहुत तेज़ से बारिश हो गई है, जिसकी वजह से पूरा वेट वेट हो गया, और हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत मेरे अदर टीममेट्स वो लोग बारिश में ही क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। ये है यहाँ का रिसेप्शन, आइए आप लोगों को यहाँ से पूरा रिजॉर्ट दिखाते हैं, और बारिश बहुत तेज़ से होने लगा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को पता नहीं सब कुछ दिखा पाऊँगी कि नहीं। और ये पीछे में है क्रिकेट ग्राउंड यहाँ का, और आइए चलते हैं, बहुत ऐसे बारिश होने लगी है, तो मैं आप लोगों को ट्राई करूँगी सब कुछ दिखाने का। और रिजॉर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ का रिजॉर्ट, बट फूड इज़ नॉट गुड। और आइए आपको दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है, और बोटिंग भी करने जाना है हम लोगों को। ये ग्राउंड है यहाँ का, आप क्या बोलना चाहते हैं? So I'm saying that ये 6 महीने बाद भी बॉलिंग टारगेट पे था। अच्छा, कौन जीता? They won, us. ये लोग। गाइज यहाँ पे हमारे टीममेट्स जा रहे हैं क्रिकेट खेल के कायाकिंग बोटिंग के लिए, और यहाँ का बाहर का वो देख लीजिए कितना ही अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइज यहाँ पे मिलिए मिस्टर कुंदन से, ये कुछ बोलना चाहते हैं हमारे टीम के बारे में। क्यों आप कैमरे के आगे से भाग जा रहे हैं, कुछ बताइए, कुछ फीडबैक दीजिए। बेसिकली सी इज इन माय टीम एंड on behalf of me she will be saying something. No, I am not saying anything. He is going to give feedback. You can start feedback about or what? Any message you can give to your team or any suggestions which we have to improve, something like that. So the frequency of outing we have to improve. Okay. We should visit different places. Oh, most frequent. You mean we have to go frequently this outing and all? Yes. Okay. And this time who has organized it? They managed it very well. Okay. And thank you for that. You was the part of that management team, right? So thank
क्यू टू यू। ओके, माय प्लेजर गाइस। अभी हम लोग आ चुके हैं कायाकिंग बोटिंग एरिया की तरफ। यहाँ पे बोटिंग है, स्विंग भी है, तो देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। और यहाँ का मैं फीडबैक देना चाहूँगी कि रिज़ॉर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा बेकार था, उससे अच्छा खाना तो हमारे कंपनी में मिलता है। बट यहाँ का मतलब वो रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये देखने में। और पूरा बारिश वारिश हो गया है तो थोड़ा और भी अच्छा लगने लगा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम बोटिंग के लिए जा रहे हैं एट माई ओन रिस्क गाइस। यहाँ पे देखिए हम लोग लेक में कायाकिंग का बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है और हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये व्यूज़ कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे हल्की सी बारिश भी है और मैं आपको दिखाती हूँ, सन भी आ चुका है। बोटिंग कर रहे हैं कायाकिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कभी कायाकिंग बोटिंग किया। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप लोगों को एरिया 83 रिजॉर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, सी यू सून।